ये देखो पूजा हो गई और सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आलू बॉयल कर लिए थे मैंने, पहले ही रख दिए थे और पूजा करने चली गई थी। तो अभी बनाने जा रही हूँ सूखी जीरा आलू की सब्जी और पराठे बनाऊँगी कि इनको स्कूल जाना है तो आरब को नहीं जाना, तो आरब के लिए लंच नहीं बनाना और ये लंच नहीं ले जाते हैं, बस खा के ही जाएँगे। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी टाइम भी हो जाता और जल्दी जल्दी, अभी पूजा हो रही तो पूजा में टाइम लग जाता और वैसे जो रोज़ पूजा होती है उसमें इसमें इतना टाइम नहीं होता है, इसमें टाइम लग जाता है। तो ये देखो सब्जी बनाने लगे और सब्जी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी पराठे। ब्रेकफास्ट इनका और मैं आरब बाद में करूँगी, अभी मैं मिल्क गर्म करने जा रही हूँ और किचन क्लीन करके डाल दूँगी। तो बर्तन सारे इकट्ठे हो जाएंगे और टब में भर के रख दूँगी, वो धुलने आती है ना 9 बजे 10 बजे की तरफ, तो इस वजह से सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते तो जल्दी जल्दी सब खाली हो जाते बर्तन। लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में भागम भाग पड़ती है इतनी जल्दी जल्दी से कि टाइम होता ना। अभी 9 o'clock स्कूल हो गया इनका, फिर भी जाना तो पहले ही पड़ता है
क्योंकि दूर पड़ता है स्कूल इनका, और आरव की छुट्टी चल रही, पेपर चल रहे, तो एक दिन छुट्टी एक दिन वही चल रहा है इनका हिसाब। तो आरव तो मुझे कर रहे हैं, तो मैंने बना लिया था, मैंने नहीं किया, मैंने कॉर्नफ्लेक्स खा लिए थे तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी सो मैंने नहीं किया, और मुझे जुकाम भी है तो थोड़ा सा कम भूख लग रही इसलिए। तो अभी करूँगी आरव के साथ कर लूँगी, आरव ने भी मिल्क पी लिया था और फ्रूट खा लिए थे तो आरव को भी भूख नहीं लगी थी। अभी आरव कह रही कि मुझे भूख लगी, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग थी समय मैंने सब साफ़ कर दिया और हो ही जाती रोज़ का रोज़ उतना, और किचन पूरी क्लीन हो गई, सब साफ़ हो गया, कुछ काम नहीं बचा, बस आरव का रूम साफ़ करना है तो वही है। अभी आरव के कपड़े मशीन में डाले थे धुलने के लिए तो वो धुल गए थे और स्टैंड पे डले थे, तो मैंने बाहर से उठा के आरव के बेड पे डाल दिए थे शाम में, इसलिए क्योंकि पता नहीं कब बारिश होने लगे, बारिश का कुछ भरोसा नहीं, अचानक से होने लगती, पता ही मौसम बिल्कुल साफ लगेगा और बारिश होने लगेगा ऐसा हो, तो इसलिए मैंने वहीं डाल दिए थे। तो अभी मैं उनको भी फोल्ड करूँगी और लंच की उसके बाद तैयारी करूँगी। तो लंच में मैं बनाऊँगी आलू पराठे, आलू मैंने वर्ल मॉर्निंग में कर लिए थे क्योंकि मैंने सोच लिया था पहले से कि मुझे आलू पराठे बनाने, और अभी लेट बनाऊँगी 2 o'clock की तरफ बनाऊँगी क्योंकि इनकी छुट्टी होती है 3 पे, तो उसके बाद खाएंगे तो उसी तरफ तैयारी करूँगी उसकी अभी नहीं। तो अभी हम जा रहे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मैं और आरव, और उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में, थैंक यू। अभी ज़्यादा बात क्या, सॉन्ग बजते रहते पूरे में तो इसलिए ज़्यादा बात करने का कुछ बनता नहीं, तो वीडियो बनाना तो है ही आप लोगों के लिए, सो मैं बना लेती हूँ मौका देख के, थैंक यू। फोल्ड करने के थे सो फोल्ड कर दिए और सही कर दिया, बाकी वो क्या सही आरम करूँ, मेरी आवाज़ ऐसी आ रही, मेरी इतनी तेज जुकाम में आ रही है, छिके 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 आ रही और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं जुकाम की वजह से, तो अब आप ध्यान बिल्कुल मत देना मेरी। और आरव खेल है निशाना लगाने वाला, आप लोगों ने देखा ना निशाना लगाने वाला, मुझे डर लगता कहीं मेरी ना लग जाए तो अभी जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी आलू के पराठे, तो उसकी तैयारी करनी है, उसकी कुछ तैयारी नहीं करनी है, आलू तो बॉयल ही रखे हैं, रेस्ट भी कर लिए थे मैंने और
बस थोड़ा सा आटा गूंदना और आलू पराठे बनाएंगे। ज़्यादा बनते नहीं है, थोड़ी थोड़ी खपते ना इसलिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा लें ताकि जैसे ही मैं ब्लॉग डालूँ तो आप लोग देख पाओ फर्स्ट नंबर पर, और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे बाय बाय बोल दो, बाय। इधर से बोलो, ओके बाय। सामने से बोलते हो ऐसे, बाय बाय। और गोलियां कहां चली गई? ये सारी गोली अरब बिजी हैं अभी निशाना लगाने में, खेलने में मस्त है। अरब की बहुत ज्यादा छुट्टियां चल रही हैं, अब अरब का सीधा स्कूल ओपन होगा वेडनेसडे को। इतने दिन की छुट्टियां हैं क्योंकि सैटरडे संडे मंडे और नहीं वेडनेसडे को, वेडनेसडे को खुलेगा दशहरे का और नवमी की छुट्टी है और इधर सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो अरब की इतनी छुट्टी। और वैसे भी अरब की छुट्टियाँ चल रही हैं पेपरों में, बिल्कुल भी आप फिनिश हुए तो अभी तक जब पेपर चल रहे तो छुट्टियाँ चल रही ना, एक दिन की छुट्टी एक दिन पढ़ाई ऐसे चल रहा ना। टू दिन छुट्टी, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। थ्री दिन की छुट्टी, मस्ती मारे। मेरी तो इतनी कभी छुट्टी नहीं होती थी पेपरों में, आजकल तो छुट्टी होमवर्क भी इतना नहीं मिलता, कुछ ज़्यादा कम मिलता होमवर्क अब बच्चों को। पहले होमवर्क कितना मिलता था, प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता तो होमवर्क तो नहीं मिलता वैसा वाला, होमवर्क लिखने वाला होता तो चीज़ें भी बनाने पड़ती। हाँ वो तो है, पहले की टाइम और बात थी, लेकिन उससे भी कठिन है। अच्छा इनको बहुत पता है उससे भी कठिन है तो नंबर से लिखना होता है, सिंपल होता। आजकल के बच्चे जो ना करें वो अच्छी है। तो बाय बाय, जल्दी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत दिन बाद मैंने मॉर्निंग वाला ब्लॉग बनाया है, और सब लोग कहते हैं मॉर्निंग ब्लॉग बनाओ ऐसे वाले, तो मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में, ऐसे भागम भाग पड़ती है रोज़ रोज़ और क्या। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या मैं मॉर्निंग में काम करती हूँ, वो दिखा दिया। सो थैंक यू।